ये है आपका अपना सबरंग 94.7 FM। सबरंग रेडियो 94.7 अपने सारे लिसनर्स का एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर तो स्वागत कर दें टोना स्पेशल प्रोग्राम च। जी जी विराल साहब जी बिल्कुल। टोना साहब एक कॉलर भी है, मैं देखता हूँ ये क्या कहना चाहते हैं हमारे साथ। जी सबरंग रेडियो जी सत श्रीकाल जी। मिंदर सिंह जी आपने गाड़ी कहते हैं ये बड़ी बड़ी ले ली है कुछ जवाब लेने थैंक यू जी जी जी। ये भी अपना सवाल पूछना चाहते सी सर, ऐसी बात है कोई कि बड़ी गाड़ियां ले ली हैं आम आदमी पार्टी ने? मैं सोचता हूँ कि अपने जो मंत्री होते हैं या मिनिस्टर्स MLA members of parliament या senators, लोग जनताओं से अपेक्षा ये करती है कि वो deliver करें, output दें, ना कि कार थोड़ी बड़ी है, कार थोड़ी छोटी है, या उनके office का जो office का size थोड़ा छोटा है या बड़ा है, या table उनकी बड़ी है या छोटी है। I think these are non-issues and बस यही अपेक्षा उन सबसे कि वो अच्छे output दें, मेहनत करें, लोगों को सुविधा, लोगों की सुविधाओं के लिए काम करें। जी ऐसे राजादा साहब जो कारपोरेट मीडिया है वो तो जो हिचकी भी लेते हैं ना अरविंद केजरीवाल, उसको भी पूरा सेंसेशनल न्यूज बना के पेश करते हैं। जी ये सब मीडिया की करामात है जो ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं। देखो जो जैसे जन सुविधा, जैसे पहले हो गया कि उन्होंने VVIP टॉयलेट यूज किया, शर्म आती है मीडिया में ऐसे लोग हैं कि ऐसी ऐसी खबर को भी जड़ी सेंसेशनल न्यूज ब्रेकिंग न्यूज बना के पेश करते हैं। जी ठीक बात है जी। राजा साहब आपकी पार्टी का जो कोई वेबसाइट है, कोई आपका संपर्क है, वो आप अनाउंस कर सकते हैं मेरे ख्याल। जी साहब जी आम आदमी पार्टी की वेबसाइट है www.aamadmiparty.org एंड मेरा संपर्क सूत्र है मुनीश राजादा। मेरे इंडिया का टेलीफोन नंबर है 0987370 3054 एंड ईमेल आईडी है pedia333@gmail.com। जी तो जाने से पहले एक सवाल मैं जाते जाते आपको और पूछना चाहूंगा, क्लैरिफिकेशन ही कह सकते इसको। आज तक में अभी जस्ट 3 मिनट पहले उन्होंने कहा भी थोड़ी पानी की किल्लत आ सकती है दिल्ली में, क्योंकि 2 प्लांट बंद हो रहे हैं या हो गए हैं, तो इसके बारे में आपको कोई आइडिया है कुछ है? इसके बारे में कहना चाहिए जी, मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा, ये फ्लैशिंग न्यूज है शायद जी, तो मुझे इसमें देखना पड़ेगा जी। ठीक है बहुत मेहरबानी जी डॉक्टर साहब, आप आने वाले टाइम में भी आपसे बात करते रहे। जी टोना साहब मेहरबानी मेहरबानी राजा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। टोना साहब थैंक्स फॉर हैविंग मी। मेहरबानी जी, थैंक यू वेरी मच जी। जी साहब ये सी गलबात मनीष राजादा साहब जो कि बच्चों के डॉक्टर ने शिकागो दे विच, उन्हां दे नाल सो गल्लां ने जिहड़ियां काफी उठ लईयां ने कि जिस तरह हुण फैसिलिटीज ने मसलां जिहड़ियां सरकारी गड्डियां देण दा एक प्रोसैस हुंदा है, सो जे देखिया भी जावे राखी बिरला वर्गे जिहड़े लीडर ने आम आदमी दी पार्टी दे नेता ने, बिल्कुल आम बंदे ने जिन्हां कोल अपनियां परसनल छोटियां गड्डियां है ने, सो सिक्योरिटी दे मद्देनजर ये कुछ हुंद रिहा है। जिस तरह विष्णु गुप्ता वर्गे जिहड़े लोक ने धड़ा धड़ा हमले आम आदमी दी पार्टी ते कर रहे ने, सो किते ना किते इन्हां चीजा तो अग्राल साहब की गल से उठती है कि थोड़ी बहुत सिक्योरिटी है वो ली जाए, क्योंकि इस समय की जरूरत है, क्योंकि जिन्हां वड्डे वड्डे दिग्गजां नूं इन्हां ने हराया वो कदों चाहणगे कि ये उन्हां दे राह दा रोड़ा बन, सो ये तो गल है ही है। पर जिस तरह आम आदमी की पार्टी लोगों के सुधारां की गल लई अगे वधी है, सो सानूं थोड़ा जिहा प्रगतिशीली नाल वेखना चाहिए, थोड़ा समां इन्हां नूं देना चाहिए कि 2-4 या 6 महीनों के किस तरह अपनी सरकार को चलाते हैं, सो ये वेखना होगा। पर जिस तरह अरविंद केजरीवाल एक पढ़े लिखे वर्ग के विचों है, सो उम्मीदा काफ़ी ने। साडा मुल्क भी अग्राल साहब साढ़े सोर्स की कोई कमी नहीं है, साधना की कोई कमी नहीं, हर तरह का मौसम है, हर तरह का इतने जरायत पैदा होती है, मेहनती कम्यूनिटी है, दुनिया के सारे यंग जिहड़े देश ने, नौजवानों के देश ने, उन्होंने भारत शामिल है। पर अफसोस होंगे कि भारत लगातार ढहदियों कलों वालों जा रहा है,
एक पासे जिथे डेढ़ डेढ़ करोड़ रुपए दर्सिडी बेंज कार के नवे मॉडल आ गए ने उसे गरीब है जिहड़ा ब्रेड तो रोटी तो भी मुनकर हो रहा सो फ्री अनाज की पनाह से जी लोग वोटा लाइया जा रही ने सो यह सानू सोचना पवेगा कि असी किस तरह विश्व के नाल अखा चखा पा के दुनिया के लोगों अखा चखा पा के चल सकते हैं जो साडा पोलीटिकल सिस्टम सुधर जाए तो शायद सानू किसी अमरीका कनेडा जाने की जरूरत ना पवे इस समय का सच है जी गल साहब जी टवाना साहब तुहाडी गल नाल मैं बिल्कुल सहमत हाँ पर जी मेरी एक सोच आती है चीज़ों देखने बाद कि क्योंकि दुनिया जो लड़ाई है ना जो हैव एंड हैव नोट वाले च एक बंदे को हैगा है तो दूजे को नहीं है ना सो जिहदे कोल हैगा है तुसीं उहदे कोलों खोना है बेसिकली तो आम लोगों तक पहुँचाना जो इहदी लड़ाई चलती है तो उहदे विच जो तुसीं सपोज करो आप हुण वोटिंग राइट्स दे नाल आप हकूमत गेन कर लैंदे आ पर जिहड़े लोगों को पावर हैगी है जिन्हां को पैसा है वो इन्ने ईजीली नहीं छड़नगे भी आप आराम दे नाल सियासत दे विच काम करन दईए जां अगे वधन दईए मे भी वोटिंग राइट्स आ जाणगे सारा कुछ हो जाएगा पर इकनोमी कली जे सिचुएशनस ना बैटर रही जां ना प्रोपरली इंप्रूव कर पाए तो फिर उत्थे जिहड़ी सिचुएशन है खराब होने के चांसिस हो सकते हैं सो मैनूं लगता भी जिस तरह कारपोरेट सैक्टर है कारपोरेट सैक्टर हुण भी पैसा दिंदा जिन्ना पैसा वह पोलीटिकल पार्टियां नूं फंडिंग दा दिंदा जां जिन्नियां वगारां वह इन्हां लीडरां नूं दिंदा जे वह इन्ना ही टैक्स भरे तां उस नूं कोई फर्क नहीं पैण वाला शायद जिन्ना उसका टैक्स बनता उस तो वध किते पैसा कारपोरेट सैक्टर पोलीटिकल पार्टियां नूं दिंदा इस समय का सच है जे पोलीटिकल पार्टियां अरविंद केजरीवाल की पार्टी वर्गे लोग यह जिहड़ी फंडिंग है जिहड़ी कि लोगों ते ही वहाई जानी है जां अपने घर भरे जाने ने जां इन्हां सियासतदानां ने अजाशियां करनियां ने वह पैसा कारपोरेट सैक्टर तो ना लवे उही पैसा जायज टैक्स के रूप दे विच खजाने दे विच जावे तां मैं समझदा कारपोरेट सैक्टर भी खुश होवेगा ते पोलीटिकल पार्टियां भी खुश होणगियां सो जिहड़े बिजनेसमैन जिहड़ा कारपोरेट सैक्टर है वह इंडिया तो मूव नहीं होवेगा इस समय का सच है क्योंकि उन्हां नूं ते देने ही पैंदे ने फिर वह अपने मन मर्जी दीआं पॉलिसियां जिहड़ियां बणाउंदे ने क्योंकि सरकारां बणाउण दे पिछे भी कारपोरेट सैक्टर ही हुंदा है जी गल साहब जी टोना साहब एक छोटी जी ब्रेक जिहड़ी साडी लैंदी है वह ले लईए आपां तो उस तो बाद फिर सा होर भी गैसट होने के चांसिज ने उन्होंने नाल भी गलबात आप करनी है तो मिलते हैं एक छोटी जी ब्रेक तो बाद जी फिर ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਵੋ ਮਲੰਗ 24 ਘੰਟੇ ਸੱਤੋ ਦਿਨ ਸਭ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 FM